तो भाई अपने प्यार को ढक के बस पे चढ़ के ट्रेन में ट्रैवल करके 350 किलोमीटर हम आ गए झांसू। भाई लोग मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो डॉक्टर थ्रो होटल। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। सो भाई लोग अभी हम एक्चुअली एक ऑफिशियल विजिट पाए हैं 2-3 दिन के लिए झांसूगढ़। झांसूगढ़ भुवनेश्वर से एक्चुअली 350 किलोमीटर ऑलमोस्ट है। तो कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ विजिट्स हैं, सो वो कंप्लीट करना। और अभी एक्चुअली हम फिलहाल हैं होटल पुष्पा पे। एक्चुअली हम और मेरे साथ एक मेरा कलीग्स आए एंड हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे थे तो यार बारिश हो रहा था बड़ी तेज, पर अभी का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह को थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, मैं ग्राउंड घूम के भी आ गया। सो एक पहले काम करते हैं, आप पहले एक होटल पुष्पा और रूम टूर दे देते। रूम टूर क्या है, बस छोटा सा बता देते कि कहाँ रह रहे हैं, है कि नहीं। सबसे पहले राइट में मिलेगा आपको डस्टबिन, फिर मेरे शूज, फिर लेफ्ट पे है वॉशरूम। वॉशरूम क्या ही दिखा बंद करो। और इधर है बेडरूम, दो बैठने के लिए एक टी टेबल है और एक ड्रेसिंग मिरर वगैरह है जो कि हम यहाँ पर अच्छे से दिख भी नहीं रहे। और ये कवर्ड है ड्रेस रखने के, और ये हम लोग का बेड है। थोड़ा सा इग्नोर करना, एक्चुअली अभी काम कर रहे तो उसी लिए फेंका हुआ है। और बाकी सब के बाकी हम रेडी हो गए नहा धोवा के एकदम फिट फाट। तो बस चलो यहाँ से निकलते हैं और आज का ये काम कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच यार इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग, थैंक यू। सो ऑल राइट भाई लोग, पहला जो मीटिंग था हम लोग का कंप्लीट हो गया होटल सन सिटी पे। और होटल सन सिटी बाहर तो कुछ ऐसे 3-स्टार होटल है, ये फ्रंट साइड है, यहाँ से एंट्रेंस है, हम इतना दिखाने के लिए। बस पहला जो मीटिंग था अपना सक्सेसफुल रहा, इट वाज ग्रेट। चलो यहाँ से फिर चलते हम लोग का आप अगला सफर पे। ये है इनका बड़ा सा मेन गेट और उधर सन सिटी। सो वेलकम बैक भाई लोग, अभी हम दूसरा मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं, इसके बाद मीटिंग मिलेगा मीट करने से। ये प्रॉपर्टी है, अभी थोड़ा वेट करना होगा, उसके बाद मीटिंग है। लेट्स सी कैसे जाता, होपफुली अभी फिंगर क्रॉस अच्छा हो जाए। और हम स्मार्ट लग रहे, पता नहीं किसके पर। एंड बाकी सब क्या, बाकी सब बढ़िया यार। यहाँ वहाँ थोड़ा सा भटकना पड़ रहा है, अभी टाइम हो गया, हम लंच करने के बाद अभी आए, 3 ऑलमोस्ट बजने वाला है, 2 मिनट बाकी है। लंच करके हम यहाँ पर आ गए, वापस होटल गए थे पुष्पा, वहाँ पर लंच किए, फिर वापस यहाँ पर आए मीटिंग अटेंड करने के लिए। लेट्स सी कैसे जाता है, थोड़ा सा समझ लो यार बेसिक ऐसे ही रहेगा आज का ये ब्लॉग। इतना कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा नहीं, पर एटलीस्ट हम अपना कंटेंट कुछ डाल सकें, इसलिए हम उसको डाल रहे हैं। तो भाई लोग यहाँ का मीटिंग ख़त्म हो गया और भाई बारिश बड़ी तेज़ हो रहा था बाहर, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। तो अभी हम अपना जा रहे हैं जो होटल, अपना जो कंपनी प्रोवाइड किया होटल, वहाँ पर वापस जा रहे हैं। पैदल जाना होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से अभी निकल गए हैं एंड एक बार अब पीछे का नज़ारा देख लो गाइस, ओह माय गॉड सो लवली वेदर। देखो ऐसे है कि यहाँ पर आपको हम घुमा तो कुछ नहीं सक रहे क्योंकि ऑफिशियल वर्क में आए हैं, अब जो हो पा रहा है वही देख लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। उधर राइट तरफ से पार करते हैं क्या बाबू, यहाँ पर अगर गिर गए तो बेइज्जती होगा बड़ी बुरा। हाँ यहाँ पर तो बारिश से तालाब वालाब बन गया, नदी नाला आ गया भाई। सो भाई लोग अभी हम आ गए अपने रूम पे यानी होटल पे और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थक गए हैं बड़ी बहनों वाला। रेस्ट क्या ही करेंगे, ये सब डाटा सब कभी फिर कॉपी करेंगे लैपटॉप पे। एक्चुअली आपको ज़्यादा दिखा नहीं होगा पर दिन भर मेरा ज़िंदगी कुछ ऐसे ही चल रहा था, इधर उधर सर्कुलेट हो रहा था, घूम रहे बहुत सारा चीज़। ऑब्वियसली सेम चीज़ क्या आपको दिखाएंगे, बोल के हम बहुत सारा हटा दिए। सो हेलो भाई लोग, ब्लॉग लास्ट सफर में आपका फिर से स्वागत है। अभी डे 3 भाई, 2 दिन के बाद, एक दिन के बाद लास्ट वीडियो देखे तो कल था, उसके बाद डायरेक्ट ये। तो अभी भाई बज रहा रात का 8:30 और 1 बजे हम लोग का ट्रेन है। तो यहाँ का जो भी काम था भाई ख़त्म हो गया, हम लोग का 3 दिन का स्टे था ओके कम्प्लीट हो गया। तो चलो निकलते हैं।